कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अब मैं इनवाइट करूंगा अर्जुन जी दवे, डेप्युटी जनरल मैनेजर मराठवाड़ा डिविजन. और अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन जी क्या आप रेंज में हैं? मैं रेंज में हूँ जी. नमस्कार. तो नमस्कार जी. अर्जुन जी को मैं कुछ भी कहने को कहूँ उससे पहले, कोरोना काल में जो अजय कुमार जी ने बात की, दो कोविड वॉरियर्स का नाम और ऐड करना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार को विनती है. एक है किसान जिसने इतने बुरे काल में भी खेती का काम चालू रखा, इसलिए आज हम घर पोटेंशियल चीजें आराम से लेकर पा रहे, खा पा रहे. और दूसरा है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक भी दिन की छुट्टी मनाए बिना इन्होंने इतनी निष्ठा के साथ काम किया है. उनका जो मेजर प्रोक्योरमेंट जो हुआ है महाराष्ट्र में, कोरोना काल में हुआ है. महाराष्ट्र ने तेलंगाना को क्रॉस कर लिया है पहली बार इतिहास में किसी के प्रोक्योरमेंट, हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट के हिसाब से. और पूरे कोरोना काल में कहीं भी एक दिन भी उन्होंने किसानों को निराश नहीं किया है. बहुत बहुत आप लोगों का आभार. अब अर्जुन जी, आप कुछ आपका अनुभव शेयर करना चाहेंगे और इस साल किसानों को क्या करना चाहिए, कहाँ क्या क्या ध्यान रहना चाहिए? आप बहुत बड़े क्षेत्र में हैं मराठवाड़ा में. दागा जी नमस्कार. मैं मराठवाड़ा और खानदेश क्षेत्रों में अभी कार्यरत हूँ. आप तो 70% महाराष्ट्र देख रहे हैं आज की तारीख. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शुक्ला जी, वैराले साहब और अजय कुमार जी का, जिन्होंने अभी तक जो माहिती दी है वो काफी विस्तृत जानकारी दी है. और मैं उन सब माहितियों को ना देते हुए जो मैं आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है सबसे पहले वो शेयर करना चाहूंगा प्लीज. कि मैं आज खानदेश एरिया में ट्रैवल कर रहा था और वहां के किसान भाई के घर पे जाके मैंने एक आधा घंटा बिताया और उनके साथ चर्चा कुछ की है. तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मैंने नोट की और उस किसान भाई ने जो मुझे सिखाई है वो मैं शेयर करना चाहूंगा. कि जो कपास गीला होता है भाई, आज बारिश हुई है सर, तो बारिश में जो पेड़ पे लगा हुआ कपास है वो गीला तो होना ही है. लेकिन वो पेड़, वो कहता है कि किसान भाई ने मुझे बताया कि साहब वो पेड़ पे जो लगा हुआ है और उस पे जो हल्की फुल्की बारिश हुई है जो गिरा नहीं है नीचे, वो अपने आप पेड़ पे ही सूखेगा. सबसे पहली बात, जो चुगाई कर ली है किसान भाई ने और यदि उसमें नमी है तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब जो जमीन होती है हमारी वो खुद एक ठंडा पदार्थ होती है. जो कपास एक्चुअली साहब, कपास एक बार पेड़ से निकलने के बाद उसमें गर्मी पकड़ता है, उसकी तासीर गर्म होती है, ये किसान भाई ने मुझे बताया. और लिटरली जब आप हीटेड कपास जिसको बोलते हैं ना, वो गर्मी पकड़ता है कपास, तो कहते हैं उस गर्मी को जमीन, उस गर्मी को जमीन ही खींचती है. तो मैं कहा आप करते क्या हो, तो कहते हैं हम लोग साड़ी बिछाते हैं साहब और साड़ी के ऊपर कपास बिछाते हैं और धूप के नीचे सुखाने रखते हैं. तो उसकी जो गर्मी होती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जमीन खींच देती है और धूप जो है उसको सुखा देती है. तो उसकी क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं आता. और क्योंकि आपका जो किसान भाइयों के घर पे जो फर्श होता है, जो गोडाउन होता है, वो सीमेंटेड होता है, सीमेंटेड जो फर्श होता है वो नमी नहीं खींचता है और वो कपास को हीटेड करता है. तो सभी किसान भाइयों से सबसे पहला ये एक मैंने जो मैंने सीखा है आज एक किसान भाई से, वो मैं दूसरे किसान भाइयों को मैं ये सिखाना चाहता था. दूसरी बात, किसान भाई ने मेरे को बताया कि मेरे पास अब एक पहले जो बारिश हुई उसमें एक चुगल मेरी हो गई है और वो कपास मैंने ऑलरेडी व्यापारियों को इस भाव में बेच दिया है. वो उन्होंने क्या किया कि साहब की वो कपास मैं सीसीआई को नहीं बेच सकता, लेकिन मैं बाकी का कपास सीसीआई को बेचने वाला नहीं हूँ और बाकी का कपास जो है, जो अच्छे वाला कपास है, मैं रखने वाला हूँ. उसकी ग्रेडिंग करके मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं ये कपास जो है वो सीसीआई को बेचूंगा. तो ये इस किसान भाई से मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला. इसलिए ये चीज एक मैं ये बताना चाह रहा था. दूसरी बात, कई जगहों पर ये कंप्लेंट आ रही थी कि जैसे कई किसानों ने कहा कि भाई ये व्यापारी से खरीदे. मैं किसान भाइयों से सादर अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके, कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को भी ना दे, ना अपने आधार कार्ड दे, ना अपनी बैंक की पासबुक दे, ना कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी मांगता है, कोई भी व्यापारी मांगता है, कोई भी ट्रेडर मांगता है, उससे मेहरबानी करके अपने डॉक्यूमेंट्स ना दे. उन डॉक्यूमेंट्स का गलत उपयोग हो सकता है. आपकी जानकारी के बिना आपके अकाउंट भी खुल सकता है. बैंक आरबीआई भी आपको गाइडलाइन देती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ओटीपी, अपने पासवर्ड किसी को शेयर ना करें. तो इस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स, आप भले ही कितने अच्छे मित्र हो आपके, जो भी ट्रेडर हो या जो भी कपास के व्यापारी हो, आप उन्हें डॉक्यूमेंट ना दें. क्योंकि सीसीए आपके लिए बैठा है और सीसीए जल्दी चालू होगा, मौसम खुलता है, मौसम खुलने की राह देखिए, हम आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाएंगे. हम कोविड में भी आए थे तो अभी भी आएंगे ही और पूरे जोश से आएंगे.
तीसरी थी कि सूखा कपास के बारे में बात हो ही गई है कि भाई जितनी सूखी कपास होगी उतना भाव आपको ज्यादा मिलेगा, कोशिश कीजिए कि 8% तक की कपास लाए, और एक ग्राम पंचायत में यदि एक मॉइस्चर मीटर की सुविधा होती है उसकी कीमत एक मोबाइल फोन से भी कम है, 15,000 का मॉइस्चर मीटर आता है। यदि सब लोग मिलकर कोई ऐसी कोई संस्था होती है जो मॉइस्चर मीटर बसा सके एक एक गांव में, बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने घर पर जब रखते हो तब आप मॉइस्चर चेक कर सकते हो। एपीएमसी के जिस रोल के बारे में बात हुई दादा जी, एपीएमसी का रजिस्ट्रेशन का रोल रहेगा, लेकिन हमारा जो रोल है वो खरीदी का है और एपीएमसी में। मैं ये किसान भाइयों को बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आम्ही कोणत्यापण प्रकारचा चार्जेस घेणार नाही। टोकन साठी किंवा रजिस्ट्रेशन साठी सीसीए कोणताही चार्ज घेतात नाही, कोणात तरी पण चार्ज देऊ नका। मैं हिंदी में बोलता हूँ, शेतकरी बांधवांनो, कोई भी टोकन का चार्ज या कोई भी रजिस्ट्रेशन का चार्ज मेहरबानी करके मत दो। हमने कोई एजेंट अपॉइंट नहीं किए हैं, हम खुद ही है, हम खुद ही खरीदेंगे कपास को, हम खुद भी, मैं आज भी घूम रहा हूँ खानदेश में, मैं कल भी घूमूंगा और मैं कभी भी कहीं पर भी आपके पास आ जाऊंगा और आपसे मैं मिलूंगा भी एपीएमसी में। लेकिन हम कोई भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चार्ज ना तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लेती है, ना तो सीसीए लेता है, ना कोई लेता, किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है भाइयों। ये मेहरबानी करके आप सब लोग नोट करो और किसी के भी बहकावे में मत आओ और लालच में मत आओ कि मैं बिकवा दूंगा। कोई बिकवाता नहीं है भाई साहब, आपका कपास है, आप किसान है, आप मेरे पास आते हो, मेरी जवाबदारी है, मुझे उसके लिए पगार मिलती है। तो मेहरबानी करके किसी के भी बहकावे में मत आइए और किसी, हम लोग है और हम लोग रहेंगे। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारा आदमी वहां रहता है, एपीएमसी का रहता है, हमारा मोबाइल ऐप भी है, कॉट एली ऐप है, जो भी आप कॉटेली डाउनलोड कर सको, COTALLY कॉटेली, आप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टाइप करेंगे गूगल में, आपको कॉटेली का ऐप डाउनलोड हो सकता है। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि घाई करू नका। कोविड का टाइम है, आप एक बार एपीएमसी की सिचुएशन को देखिए, जैसे ही जैसे आपका व्हीकल का नंबर आता है एक दिन पकड़ के चलिए, बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ एक दिन पकड़ के चलिए, एक दिन लेट हो सकता है, घाई मत करिए। क्योंकि कोविड में हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस किए हैं कि और आपको सिर्फ आप किसान भाई और आपका ड्राइवर, ये दो लोग ही आना है एपीएमसी में, किसी और 3-4 लोगों को लेकर प्लीज मेहरबानी करके मत आइए, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जब गाड़ी खाली करेंगे अभी भी आपको फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना है, गाड़ी पार्क भी करते हो आप, तो गाड़ी आप जब पार्क करते हो एपीएमसी में तो गाड़ी को थोड़ा दूर दूर पार्क कीजिए, और मेहरबानी करके फिर जहाँ ऑक्शन हो रहा है वहाँ कई लोगों की वो ये मतलब कई मंडियों में मैंने देखा हुआ है कि वो घेराव कर लेते हैं जहाँ पर ऑक्शन, किसकी गाड़ी को क्या भाव लग रहा है उसकी गाड़ी को, मेहरबानी करके ये मत कीजिए। ये जिसको होता है उसको इस दर्द का पता होता है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मेहर भगवान को मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी को ना हो, लेकिन ये इसको संक्रमण को रोकना जरूरी है। तो आप बिल्कुल डिस्टेंस बना के एपीएमसी में आइए, हम एपीएमसी में आपकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार है। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से कि बैंक अकाउंट जो आप लेके आते हो, देखिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, एक तो आधार कार्ड लाना है, 7-12 पिक तेला जो आपने कॉटन का नोटेड है वो लाना है। इस बार ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जितनी जमीन होगी उसमें जिसमें जितना कपास उगाया होगा उतना ही कपास आप एक टाइम पे बेच पाओगे, एक आधार कार्ड पे या एक जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें। तो आप जमीन के हिसाब से, आपका यदि 1 हेक्टर है तो उस हेक्टर के हिसाब से जो प्रोडक्शन आता है 30-35-40 क्विंटल जो भी डिसाइडेड है बाय स्टेट गवर्नमेंट, उतना ही कपास बेच पाओगे, उससे ज्यादा कपास नहीं बेच पाओगे। यदि आपने किसी और को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उसने इसका मिसयूज किया और वो पकड़ा गया तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेहरबानी करके ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज, आप पासबुक लेके आते, आप आधार कार्ड लेके आते, आप बैंक की जो पासबुक लाते हैं उसमें मेहरबानी करके ये देखिए कि वो जनधन खाता ना हो। अगर 50,000 के ऊपर पेमेंट गया भाई साहब तो आपके खाते में पैसा हम कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं जाएगा। वो जनधन खाता जब तक KYC कंप्लाइंट नहीं होता, जब तक आपका पैन कार्ड उसमें अपडेटेड नहीं होता, जब तक आपका आधार कार्ड वगैरह पूरी डिटेल्स अपडेटेड नहीं होती किसी बैंक खाते में, तब तक वो खाता में हम आपका जो 1-1.5 लाख जो भी अमाउंट है 50,000 के ऊपर की हम डालना चाहे तो भी हम नहीं डाल पाएंगे। तो आपको मेहरबानी करके आपकी जो पासबुक है उसको KYC कंप्लेंट कीजिए, पासबुक को एक बार फिर से प्रिंट करवा के लाइए, जो आपका जो बायोमेट्रिक फॉर्म जो एपीएमसी भरता है उसे
पूरे अक्षरों में भरवाइए और सीसीए के सेंटर पे जब आप खरीदी आप बेच लेते हो जब कपास को, उसके बाद आपको एक पावती मिलती है जिसको तकपट्टी या जो फाइनल हम बिल बोलते हैं, आपको कई बार बोला कि पावती भेजिए, वो पावती को आप तुरंत लेकर घर चल मत चले जाइए, आप 2 मिनट खड़े रहिए, उस पावती में जो नंबर लिखे है, जो आईएफएससी कोड लिखा है, जो आपका आपका क्वांटिटी लिखा है, जो आपको रेट दिया गया है, उसको एक बार शांति से चेक कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए, अपने गांव का नाम चेक कीजिए, जितनी भी डिटेल आपकी भरी गई, क्योंकि वो हमारा जो आदमी है वो टाइप करता है, आपके सामने टाइप करता है, वो टाइप जहाँ मनुष्य इन्वॉल्व है वहाँ मिस्टेक तो थोड़ी बहुत होती है, तो आप उसको एक बार इत्मीनान से बैठ के चेक कर लीजिए कि भाई ये सब चीज सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, आप जब सेटिस्फाई हो जाओ तब आप बोलिए कि नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, और फिर आप उसमें कोई भी मिस्टेक आती है तुरंत उसके पास जाइए काउंटर पर, भाई साहब ये अकाउंट नंबर में ये चीज गलत आ गई, इसको थोड़ा सही कर दो वरना मेरे खाते में पैसे नहीं आएंगे, किसी और के खाते में चले जाए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो बिल है वो पूरा सुनिश्चित करे, पूरा चेक करे, जब आपको लगे कि नहीं सब कुछ सही है तब आप निकले, और आपके ड्राइवर जो आपके गाड़ी को लेके आया होगा उसको खाली होने के बाद तुरंत बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इश्यू आएगा, सभी जीनिंग में आपके लिए सर्कल्स बनाए जाएंगे, और आपके लिए कुर्सी का भी अरेंजमेंट हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बैठना पड़े, खड़े नहीं मत रहिए। कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव कपास बेचने आता है, जैसे आपकी उम्र ज्यादा है और आप यदि नहीं आ सकते खुद, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको ऑथोराइज करके भेजिए कि ये मेरा प्रतिनिधि है और ये कपास बेचने आया है और मैंने इसको कपास बेचने हेतु प्राधिकृत किया है और ये मेरे ये सब डॉक्यूमेंट लेके आया है जिस पर मैं साइन करके भेज रहा हूँ और मेरे प्रतिनिधि की साइन ये है जो कि वो आपके यहाँ साइन करेगा, तो आपका प्रतिनिधि भी या तो भी चलता है। लेडीज का यदि हो तो लेडीज को भी आने की जरूरत नहीं है, कोई जेंट्स आता है तो जेंट्स ऑथोराइजेशन लेके आए, ये सारी चीजें जो है और सभी ये सारे जो इंफॉर्मेशन भी है हम सभी एपीएमसी के बाहर लगाने वाले हैं, एक बार कभी जाइए तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा और इत्मीनान रखिए, शांति रखिए, हम बिल्कुल खरीदी एंड तक करेंगे और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा करने की, लेकिन हमें आपके सहकार की पूरी जरूरत है कि आपका सहकार हमारे साथ रहेगा तो हम बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। हमने इस साल मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट्रियां हायर करने का तय किया है, हमारे पास फैक्ट्रियां आ भी गई है और हम उन फैक्ट्रियों में कार्य भी करने वाले हैं, तो प्लीज आप घाबरू नका अन्य घाई करू नका, ये 2 वर्ड ध्यान रखिए, बाकी कोई भी चीज हो तो सीसीए आपकी सेवा में तुरंत वहां तत्पर है, सीसीए का आदमी हमेशा एपीएमसी में रहेगा, उससे भी आप यदि बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहने रखिए, सैनिटाइजर वगैरह की अपने पास एक बॉटल रखिए, अपना खाना जो है वो जब बेचने आते हैं कपास बेचने आते हैं तो साथ में लेके आइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, इस तरह अपने आपको सुरक्षित भी रखिए और हमको अपनी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच, यदि कोई हो कोई चीज का हो तो हम बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मनीष जी थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग गिविंग अस द प्लेटफॉर्म टू सर्व द फार्मर्स। यस अर्जुन जी, बहुत बढ़िया बातें आपने बताई और कितनी मूलभूत बातें हैं। पहले आपने किसान से शुरू किया कि किसान कपास का जतन किस तरह कर सकता है, कंक्रीट जो होता है वो हमेशा न मॉइस्चर लेता है न मॉइस्चर देता है, लेकिन जमीन और कपास के बीच में कुछ आपको जरूर डालना है और कोशिश करना है कि प्लास्टिक और टारपोलिन ना डाले, क्योंकि वो नहीं तो सुखाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन जोड़ेगा, उसमें से लेगा कुछ भी नहीं। तो कपड़ा डाले, सूती कपड़ा डाले तो बहुत बढ़िया है, मोटा कैनवस भी चल सकता है और बेसिक आपकी साड़ी तो बिल्कुल चल सकती है, ये डालने से आपका कपास जल्दी नमी छोड़ेगा और आपका कपास हमी भाव लेने के लिए उतना ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये बेसिक बात थी। दूसरी बात इन्होंने बताई एपीएमसी में नियम लगने वाले हैं, बहुत जल्दी आप जाइए और एपीएमसी में उस नियमों का फोटो लेके आई और उस फोटो को घर पे आके शांति से पढ़िए और एक एक नियम का बहुत ही शिष्टता से पालन करिए, तो ना आप दुखी होंगे ना आपकी फैमिली दुखी होगी और आप सीसीआई में अपने हक के भाव बहुत आसानी से ले पाएंगे। तो कितनी बहुत बेसिक बातें बताई और सीसीआई हमेशा खड़ा है जब तक ये सीजन चालू रहेगा और जब तक हमी भाव से मार्केट का भाव नीचे रहेगा तब तक अर्जुन जी ने बताया कि सीसीआई की खरीदी चालू रहने वाली है, तो डरने वाली बात नहीं है, आज नहीं तो कल ये कपास जहां आपको बेचना है वहीं बिकेगा, लेकिन उसके क्वालिटी के हिसाब से बिकेगा, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बिकेगा। कपास को अपनी तारीफ करने दीजिए, आप जाके सीसीआई वालों से कभी भी बहस मत करिए,
क्योंकि उससे ना आपको फायदा होने वाला है, ना आपके पीछे जो लाइन में खड़े हैं उनको फायदा होने वाला है। सीसीआई अपने नियमों से बंधा हुआ है, सीसीआई 8 से 12% के बीच में नमी वाला कपास खरीदने के लिए बंधा हुआ है, तो वो खरीदेगा, 12 के ऊपर है तो आर्ग्यूमेंट कभी कभी आपकी शायद कोई कोरोना काल में काम आ गई हो आगे, लेकिन इस सीजन में वो आपको आगे काम है ये बहुत मुश्किल है।